गुड मॉर्निंग, आप सबको हिंदी कक्षा में स्वागत है। आपके पास हिंदी टेक्स्ट बुक है ना, पेज नंबर 12। गद्य का नाम या कहानी का नाम आपस में मत झगड़ो, लेसन नंबर 4। दो बिल्लियां थी, एक का नाम था पूसी और दूसरी का नाम लूसी। दोनों के बीच अच्छी खासी मित्रता थी। दोनों एक ही घर में मिलकर रहती थी। जो कुछ मिलता आपस में बांटकर खा लेती थी। दोनों मिलकर शिकार करती थी। सेकेंड अनुच्छेद। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों को एक रोटी मिली। लूसी ने उसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन पूसी को लगा कि लूसी ने खुद ज्यादा हिस्सा ले लिया है। बस लगी झगड़ने लूसी ने उसे बहुत समझाया, पर पूसी अपनी जिद पर अड़ी रही। पास के एक वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। दोनों को झगड़ते देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। उसने कहा, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, किसी से न्याय करा लो, बस झगड़ा खत्म। कहानी का नाम आपस में मत झगड़ा करो। इस कहानी का विस्तार रूप से मैं विवरण देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। एक का नाम था पूसी और दूसरी बिल्ली का नाम था लूसी। आपस में दोनों बहुत प्यार से रहती थी और खुशी से एक ही घर में मिलकर दोनों रहती थी। उन्हें जो कुछ भी मिला इसको दोनों बांटकर खाया करती थी। कुछ दिन के बाद दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थी। उस समय दोनों बिल्लियों को जोर से भूखी लगी। वो दोनों बिल्लियां भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद एक रोटी मिली। लूसी ने उस रोटी को लेकर इसी तरह बताया, इस रोटी को मैं दो बराबर हिस्सों में बांटकर देती हूँ, आओ। इसी तरह लूसी ने बताया। लूसी ने रोटी को बराबर बांटकर दिया। इस रोटी की टुकड़ा को देखकर पूसी ने इसी तरह बताया, रोटी की टुकड़ा मुझे छोटा दिया है, ये बहुत गलत है, इसी तरह बताया। लूसी ने उसे बहुत समझाया, पर पूसी अपनी जिद पर अड़ी रही थी। देखो, पूसी ने रोटी की टुकड़ा देखकर क्या बताया, आपने मुझे बहुत छोटी रोटी की टुकड़ा दिया है, ये बहुत गलत है, इसी तरह बताया। इसको देखकर एक वृक्ष पर एक कौवा बैठकर देखकर बहुत खुश हो रहा था।
क्योंकि ये दोनों बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ा करने का दृश्य को देखकर कौवा बहुत खुश हो गया। बाद में कौवा ने कहा, अरे बिल्लियां, दोनों झगड़ाने का बात क्या है, बताओ। इसी तरह कौवा ने बिल्लियों को देखकर बताया, किसी से न्याय कर लो, बस झगड़ा खत्म। इसी तरह कौवा ने बिल्लियों को देखकर बताया। दोनों बिल्लियों को यह बात पसंद आई। उन्होंने कौवे की ओर देखा, लेकिन कौवे ने कहा, देखो मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, एक की बात कहूँगा तो दूसरी बुरा मानेगी। पास में ही एक बंदर रहता है, वह बड़ा न्यायप्रिय है, उसके पास चली जाओ। दोनों बिल्लियां बंदर के पास गई। बंदर ने पूरी कहानी सुनी, तराजू मंगवाया और तराजू मंगवाई और न्याय करने बैठ गया। उसने तराजू के दोनों पल्लड़ों में रोटी के दोनों टुकड़े रखे। उनमें से एक कुछ भारी था। बंदर ने भारी टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। अब दूसरा टुकड़ा भारी हो गया। बंदर ने उसमें से भी एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। कौवा का बात सुनकर दोनों बिल्लियां झगड़ा करने के बदले कौवा का बात दोनों बिल्लियों को बहुत पसंद आई। दोनों बिल्लियों ने न्याय करने के लिए कौवा के ओर देखते समय कौवा कहा, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, ये की बात कहूँगा तो दूसरी बुरा मानेंगी, आप दोनों बंदर के पास जाओ। ये बंदर बहुत न्यायप्रिय होने के कारण इस रोटी को समान में बांटने में तुम दोनों को सहाय करूँगा। इस तरह कौवा ने दोनों बिल्लियों को बताया। कौवा की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने बंदर के पास पहुँचे। दोनों बिल्लियों ने क्या किया, कौवा के बात सुनकर बंदर के पास पहुँचे। बंदर ने क्या किया, बिल्लियों को देखकर झगड़ा करने का पूरी कहानी बताओ, बाद में मैं मदद करती हूँ। इसी तरह बंदर ने तो दोनों बिल्लियों को बताया। पूरा कहानी को सुनकर बंदर ने बताया, ठहरो, मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रख कर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है कौन सा छोटा है। रोटी की टुकड़ा को बराबर करने के लिए बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। इस चित्र को देखो, बंदर ने ये दोनों रोटी की टुकड़ा को देखकर, मैं इस रोटी को बराबर करती हूँ, इसी तरह बोलकर बंदर ने तराजू लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। इधर देखो, बंदर ने तराजू
में दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिया। तोलते समय उसने क्या किया, देखो इधर, ये पलाड़ बारी था तो वो बोला, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर करते हूँ। यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। बंदर ने क्या किया, ये बड़े टुकड़े से थोड़ा सा रोटी को तोड़कर खाने के लिए शुरू किया। अब बिल्लियां परेशान हो उठी, उनको लगा कि बंदर इसी प्रकार टुकड़े तोड़ तोड़ कर खाता रहा तो वह पूरी रोटी ही खत्म कर देगा। पूसी ने कहा, बस बस बंदर महाशय, हमारी रोटी वापस कर दो, अब हम स्वयं ही आपस में बांट लेंगे। बंदर ने गुड़ते हुए कहा और रोटी का एक और टुकड़ा तोड़कर खा लिया। बस बस बंदर महाराज, अब हमें माफ करो, हमारी रोटी हमें वापस दे दो। दोनों बिल्लियों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो बंदर के काम को देखकर दोनों बिल्लियों बहुत घबरा गई, क्योंकि बंदर ने क्या किया, तराजू से बड़ा होने वाला रोटी के टुकड़ा से क्या किया, रोटी को तोड़कर अपने मुंह में खाने के लिए शुरू किया। इसको देखकर दोनों बिल्लियों को बहुत घबरा गई। दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो गए। वे बंदर से बोली, बस बस महाराज, हमारी रोटी मुझे वापस कर दो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लूँगा। बंदर का काम को देखकर दोनों बिल्लियों ने कहा, क्या कहा, मुझे रोटी वापस करो, अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगी। इसी तरह दोनों बिल्लियों ने बंदर से कहा। बिल्लियों के बात सुनकर गुड़गुड़ाते हुए कहा, नहीं, न्याय पूरा होना चाहिए, रोटी का एक और टुकड़ा तोड़कर बंदर ने खा लिया। फिर भी दोनों बिल्लियों ने बंदर का काम को देखकर दोनों बिल्लियों ने क्या किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस बस बंदर महाराज, हमें माफ करो, हमारी रोटी हमारे वापस दे दो। रोटी वापस देने के लिए दोनों बिल्लियों ने बंदर से कहा, और न्याय करने की मेरी फीस कौन देगा? और बंदर ने बाकी बचे दोनों टुकड़े भी खा लिया। बोला, या मेरी फीस थी। दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। अब दोनों बिल्लियां यह समझ गई कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। भविष्य में उन्होंने कभी ना झगड़ने की कसम कही और घर लौट आई। दोनों बिल्लियों का बात सुनकर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे,
लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। इतनी कहकर बंदर ने क्या किया, रोटी के बचे हुए टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिया। बोला, या मेरी फीस थी। क्या बोला, ए रोटी मेरी फीस थी। इस तरह बोलकर बंदर ने रोटी को अपने मुंह में डाल दिया। बंदर ने पूरा रोटी को खाने के बाद बंदर ने क्या किया, पेट पर चढ़कर बैठ गई। इधर देखो, दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। इस कहानी में आने वाला नीति आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकता है। धन्यवाद बच्चों। आपस में मत झगड़ो, इस पाठ में आने वाला शब्दार्थ के बारे में सुनो। मित्रता यानी दोस्त, भविष्य आने वाला समय, ज्यादा अधिक, हिस्सा भाग, परेशान होना, मुश्किल होना, खत्म समाप्त, फीस शुल्क, फायदा लाभ, कसम खाना, शपथ लेना, तराजू सामान तौलने का एक उपकरण। फिफ्थ स्टूडेंट, ओपन योर टेक्स्ट बुक। लेसन नेम, आपस में मत झगड़ो। लेसन नेम, आपस में मत झगड़ो। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, पेज नंबर 14। पहले वाक्य में प्रयोग करो। इधर जगह नहीं होने के कारण मैं इस पुस्तक में लिखती हूँ। इसको देखकर पेंसिल के सहायता से आपके टेक्स्ट बुक में लिखने के लिए शुरू करो। पहला न्याय, दूसरा मित्रता, तीसरा परेशान, फोर्थ वन फायदा, नेक्स्ट फिफ्थ वन रोटी, नेक्स्ट पड़ोसी, लड़ाई झगड़ा, फीस। शुरू करेंगे बच्चों, ले लो पेंसिल, ले लो। फर्स्ट वन न्याय, राम के न्याय की प्रशंसा दूर दूर तक, दूर दूर तक, दूर दूर तक फैली थी, फैली थी। फिनिश्ड। सेकेंड वन मित्रता, सेकेंड वन मित्रता, हम सभी के साथ मित्रता करनी चाहिए। सेकेंड वन, हम सभी के साथ मित्रता मित्रता करनी मित्रता करनी चाहिए। करनी चाहिए हम सभी के साथ मित्रता करनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड वन परेशान, थर्ड वन परेशान, रामलाल
राम रामलाल पसीने से रामलाल पसीने से बहुत बहुत परेशान हुआ। नेक्स्ट फोर्थ वन, फायदा। दवा के सेवन से तुम्हें फायदा हो सकता है। दवा के सेवन से तुम्हें फायदा हो सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, रोटी। राम रोटी खा रहा है। राम रोटी खा रहा है। सिक्स्थ वन, पड़ोसी। निशांत मेरे पड़ोसी में रहता है। निशांत मेरे पड़ोस में रहता है। नेक्स्ट, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा ठंडा से बचो और प्रेम से रहो। लड़ाई झगड़ा ठंडा से बचो और प्रेम से रहो। इधर देखो, मैच द फॉलोइंग। ए साइड, पूसी और लूसी बिल्लियों को झगड़ते देखकर बंदर ने बाकी बचे दोनों बंदर के दोनों पल्लड़ों में बिल्लियां समझ गई कि आपस में। बी साइड, टुकड़े भी खा लिया टुकड़े रखे लड़ाई करने से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। दो बिल्लियां थी कौवा बहुत खुश हो रहा था। इधर पहला प्रश्न, पूसी और लूसी। इधर नंबर वन लिखो, दो बिल्लियां थी बिल्लियों को झगड़ते देखकर कौवा बहुत खुश हो रहा था। नंबर टू, बंदर ने बाकी बचे दोनों
दोनों टुकड़े भी खा लिया। नंबर थ्री, बंदर के दोनों पल्लड़ों में टुकड़े रखे। नंबर फोर, बिल्लियां समझ गई कि आपस में लड़ाई करने से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। नंबर फाइव, 3, 4, 1, 3, 4, 5, 1, 2। इधर एक मेक सेंटेंस है, इसको हम इधर लिखती हूँ। लिखो फीस, मेक सेंटेंस फीस, फीस ना जमा करने के कारण राम का नाम स्कूल से कट गया। नेक्स्ट विलोम शब्द, इधर जगह नहीं है, मैं पुस्तक में लिखती हूँ पेंसिल के सहायता से। इधर उत्तर लिखने के लिए शुरू करो। फर्स्ट वन बिल्ली बिल्ली, फर्स्ट वन बिल्ली। सेकेंड वन कौवा कौवे, थर्ड वन झगड़े। फोर्थ वन वृक्ष सेम। फिफ्थ वन पल्डे। सिक्स्थ वन रोटी। नेक्स्ट सेवेंथ वन लड़के। एइथ वन सड़क। नेक्स्ट उसके नीचे विलोम शब्द है। फर्स्ट वन विलोम शब्द न्याय अन्याय। सेकेंड वन भारी हल्का हल्का। थर्ड वन मित्रता शत्रुता। फोर्थ वन कथम शुरू फिफ्थ वन झगड़ा शांति। सिक्स्थ वन भविष्य भूत। सेवेंथ वन प्रिय अप्रिय। एथ वन प्रश्न उत्तर।
प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट, इधर प्रश्न पढ़ो, सही वाक्य पर सही चिन्ह लगाओ, गलत वाक्य के पर गलत की निशाना लगाओ। इधर दोनों बिल्लियों का न्याय कौवा ने किया था, गलत। कौने किया, कौन किया? बंदर ने किया। दोनों बिल्लियां न्याय के लिए बंदर के पास गई, सही। बंदर ने बिल्लियों के साथ न्याय किया था, रॉन्ग। बिल्लियों ने बंदर के साथ न्याय किया था। नेक्स्ट, बंदर का न्याय देखकर कूसी ने रोटी वापस मांगी, इधर सही। नेक्स्ट, बंदर ने न्याय करने की कोई फीस नहीं ली थी, राम। दोनों बिल्लियां बंदर के न्याय से खुश थी, नहीं, गलत। अंत में सारी रोटी बंदर खा गया, सही।